हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं अजय वत्स स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स फाउंटेन में। और आज का जो हमारा लेक्चर है, 9th क्लास का 3rd लेक्चर है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम काइनेमेटिकल इक्वेशंस जो है हमारी उनको पढ़ेंगे, जो हमने पिछली क्लास 2nd लेक्चर में जो है लास्ट उसको बोला था, जो हमारा कल का लेक्चर था उसमें हमने बताया था कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी या फिर वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो वो इक्वेशंस थी जो हमारी, वो सभी हमारी क्या हैं, वो काइनेमेटिकल इक्वेशंस हैं। तो आज हम उनका मैथमेटिकल प्रूफ जो है हमारी क्लास के अकॉर्डिंग उसको करेंगे। और साथ ही जो आज की हमारी जो क्लास रहेगी उसका जो PDF है, उसका जो हम मटेरियल जो यहाँ पर हम सोल्व करेंगे, तो उनके जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स जो हैं, उनका लिंक भी आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां से जाकर के उन नोट्स को डाउनलोड कर लेंगे। अब हम हमारे आज के टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं कि काइनेमेटिकल इक्वेशंस जो हैं उनको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं लिख देता हूँ कि हमारी जो मैथमेटिकल इक्वेशंस थी वो कौन कौन सी हैं और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जो नेक्स्ट है हमारी वो क्या है, वो है हमारी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और नेक्स्ट उससे जो नेक्स्ट है हमारी वो क्या है, वो है हमारी v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो ये तीन इक्वेशन थी जो हमारी, ये हमारी काइनेमेटिकल इक्वेशन जो है इनको हम बोलते हैं, ठीक है। आज हम इनका जो प्रूफ है वो आज के लेक्चर में जो है कवर करेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ये पोजीशन ए के ऊपर एक बॉडी थी, वो यहाँ पर है, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, हमारी यू वेलोसिटी के साथ ये बॉडी यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका ये पॉइंट बी पर वी वेलोसिटी जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है, इसको जो है हम इस पोजीशन पर जो है इस फाइनल वेलोसिटी पर इसको लेकर के जाना है। तो इसके लिए हमें क्या कोई ए एक्सेलरेशन देनी पड़ी इसको, और किसी टी टाइम इंटरवल के अंदर हम इसको इस वेलोसिटी पर ले जा पाए, ठीक है। तो यहां से जब उस पॉइंट बी तक ये जो हमारी बॉडी थी, ये जो है इस वेलोसिटी को गेन करने के लिए, वी फाइनल वेलोसिटी को गेन करने के लिए जब इसने ट्रेवल किया, तो इसने एस जो है इसका डिस्प्लेसमेंट जो हमने इसमें नोट किया, इसने एस जो डिस्प्लेसमेंट था हमारा, ये नोटेशन थी। तो आपको ये पता लग गया होगा क्योंकि पिछली जो अगर क्लास किसी ने नहीं देखी है तो पहले फर्स्ट और सेकेंड जो लेक्चर था हमारा वो देख लेंगे, उसके बाद ही आपको ये जो टॉपिक है ये अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले एक बार जा कर के उन लेक्चर्स को देखिए। तो उन दोनों लेक्चर्स के लिंक भी आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, पहले उनको समझिए। उसमें आपको सारी बेसिक टर्म्स बताई गई हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसके बाद आपकी एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है। तो वो सारी चीज़ें जब आपको पता होंगी तभी आप इन चीज़ों को यहाँ पर डायरेक्ट जो है सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं जो हमारी ये जो डायग्राम, ये जो हमारे पास बन करके आया है, ये दो वेलोसिटीज थी दो पॉइंट्स पर ए और बी के ऊपर, ये हमारा टाइम था, एस जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था और ए हमारी जो एक्सेलरेशन थी। तो ये कंप्लीट जो डायग्राम है पहले हमने इसको एक्सप्लेन करना होगा कि हमने क्या क्या लिया है, क्या क्या हमने माना है, उसके बाद ही हम इसकी जो है इसका जो सोल्यूशन है उसको करेंगे। तो आप भी साथ के साथ इसको नोट कर लेना। इस डायग्राम के बारे में हम क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर ए बॉडी विद इनिशियल वेलोसिटी यू, ए बॉडी विद इनिशियल वेलोसिटी यू
एट ए पॉइंट ए, ठीक है, वी हैव टू एक्सेलरेट इट विद एन एक्सेलरेशन ए टू रीच अनदर पॉइंट बी विद फाइनल वेलोसिटी वी, ठीक है। तो हमने इसमें क्या लिखा, लेट अस कंसीडर ए बॉडी विद इनिशियल वेलोसिटी यू एट ए पॉइंट ए, ठीक है, वी हैव टू एक्सेलरेट इट विद एन एक्सेलरेशन ए टू रीच अनदर पॉइंट बी विद फाइनल वेलोसिटी वी। तो हमने यहाँ ए पॉइंट पर ये अज्यूम किया था, कंसिडर किया था यू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो थी इसकी बॉडी की, और इसको जब हमने एक्सेलरेट किया एक्सेलरेशन ए के साथ, और हमने कहाँ पहुँच गए, इस पर पॉइंट बी पर पहुँच गए, किसके साथ, फाइनल वेलोसिटी वी के साथ, ठीक है। तो अभी इसमें हमने जो है क्या करना है, अभी इसमें हमने टाइम इंटरवल और जो डिस्प्लेसमेंट था इसको भी इसके अंदर कंसिडर करना है, इसके अंदर जो है इंक्लूड करना है स्टेटमेंट के अंदर, ताकि हमारा जो टी है उसका हमें पता लग सके कि ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एस जो है हमारा वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो चीज़ भी हमें एग्जाम के अंदर लिखनी होगी। तो उस चीज़ को लिखते हैं, इन टाइम इंटरवल टी विद डिस्प्लेसमेंट एस, ठीक है। तो ये हमारी जो हम स्टेटमेंट जो है ये लिखेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले, इस डायग्राम के बारे में हमने इसमें सारा कुछ बताया है, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है इसको, ये केवल और केवल जो इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है हमारी। नेक्स्ट जो देखते हैं हम, पहले हम सबसे फर्स्ट जो है हमारी ये वी इजिकल टू यू प्लस ए टी, इसको सोल्व करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या लिखते, क्या देखते हैं, वी नो दैट from the definition of acceleration, तो हमारी जो acceleration की जो definition थी उससे हम क्या लिखेंगे, इसको मैं mark कर देता हूँ। acceleration की जो definition थी वो क्या थी हमारी, change in velocity with respect to time, ठीक है। तो ये पिछली क्लास का जो था हमारा कि एक्सेलरेशन क्या है उस चीज़ को हम देखेंगे, तो इसको लिखते हैं हम किसकी फॉर्म में, हमने वहाँ पर सोल्व किया था कि ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये क्या थी हमारी, एक्सेलरेशन थी, ठीक है। इसको जब हम आगे सोल्व करते हैं नेक्स्ट, तो ए हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा t था, इसको हम कहाँ लेकर के जाएंगे, इस तरफ लेकर के जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ठीक है। इसको जब हम फर्दर आगे सोल्व करेंगे नेक्स्ट लाइन में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से बन करके जो ये हमारा माइनस यू था इसको हम इस तरफ ले आए, क्योंकि ये कुछ कुछ हमें इसकी तरह दिखने लग गई, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, यू प्लस ए टी चाहिए था वी के इक्वल, तो इस यू को जो ये माइनस में है इस तरफ ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल करके आएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। ये हमारे पास सोल्व होकर के क्या आ गई, हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो थी ये आ गई, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, या फिर इसका जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे जो नेक्स्ट हमारी सेकंड और थर्ड इक्वेशंस हैं इनको सोल्व करेंगे। तो अब हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, जो ये इक्वेशन है इसको देखते हैं, ठीक है।
इसके लिए हमें क्या देखना होगा, हम वेलोसिटी जो थी हमारी, वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन थी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको क्या बोल रहे थे हम, उसको हम बोल रहे थे वेलोसिटी। वही बात करें अगर चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या था हमारा, वो थी हमारी स्पीड। तो हमें यहाँ क्या यूज करना है, हमें वेलोसिटी की जो डेफिनेशन थी हमारी वो यूज करनी है। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, तो हमारी वेलोसिटी जो थी वो किसके इक्वल थी, वी वेलोसिटी जो थी, जो हमारा चेंज हुआ था या फिर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था वो क्या था हमारा, इसकी जो है वेलोसिटी की जो डेफिनेशन थी, ठीक है। तो इसको जब हम लिखते हैं तो ये वी यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, वी वेलोसिटी है, एस जो हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट है, और टी जो है हमारा क्या है टाइम। तो ये तीन चीजें हमारे पास हैं, लेकिन अब यहाँ हमारे डायग्राम में दो वेलोसिटीज दे रखी हैं, इनिशियल भी है और फाइनल भी है। तो अब यहाँ पर कन्फ्यूजन जो आएगा वो ये आएगा कि हम जो इस वेलोसिटी को लेंगे तो वो कौन सी होगी। तो वहाँ जो ये यहाँ जो वेलोसिटी जो आई है ये क्या होगी, इसको हम क्या लेंगे, एवरेज वेलोसिटी ले लेंगे, क्योंकि हमें दोनों ही वेलोसिटीज का जो है यूज करना, ठीक है। तो हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या थी, अब उसकी भी फिर से जरूरत पड़ेगी हमें पिछले लेक्चर की, जो हमारा सेकेंड लेक्चर था उसमें हमने क्या किया था, एवरेज वेलोसिटी क्या है उस चीज़ को पढ़ा था। तो उसकी जो डेफिनेशन है, उसकी जो हमारी वैल्यू थी, उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे इस वी की जगह। तो हमारा जो एवरेज वेलोसिटी थी वो क्या थी, वो कहती है कि जितनी भी वेलोसिटीज हमें दी हुई हैं इनिशियल फाइनल, उन दोनों का जो सम है, उन दोनों का वेक्टर सम, उसके डिवाइड में कितनी वेलोसिटीज हमने सम की है, कितनी वेलोसिटी जो थी उनका हमने एडिशन किया है, नंबर ऑफ वेलोसिटीज उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी वेलोसिटीज हैं, यू और वी दो वेलोसिटीज हैं। तो हम लिखेंगे, वेक्टर सम करना है हमें पहले, तो किसका, यहाँ देख लेंगे एक बार, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी यहाँ की, एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी यहाँ, जो हमारा इनिशियल, जो हमारा फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी है, केवल ये दो वेलोसिटीज थी, और उनके नीचे जो है वो कितनी वेलोसिटीज हुई, एक ये जो इनिशियल थी हमारी, एक जो हमारी फाइनल थी, तो यहाँ नंबर कितना आएगा, टू आएगा। तो इस चीज़ को जो है हम हमारी इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पर पुट करेंगे और हमारा जो सॉल्यूशन है उसको हम आगे करते हैं इसको। तो यहाँ लिखेंगे v प्लस यू अपॉन टू इज इक्वल टू एस बाई टी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी हम एक इसको आगे एक स्टेप नेक्स्ट करके लिखते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारा ये t है इसको हम जो इक्वल था हमारा, इक्वल से इस तरफ लेकर के जाएंगे तो ऊपर जा करके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम v प्लस यू बाई टू इंटू टी इज इक्वल टू एस। तो ये हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है ये आ गया, ठीक है। ये जो इक्वेशन है हमारी, ये अभी इन दोनों में से कोई इक्वेशन नहीं है, लेकिन ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन का ही यूज करके हम आगे जो है इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो इसको स्टार मार्क कर लेंगे और इसको लिखेंगे, इसको मैं नाम देता हूँ कि कोई ए इक्वेशन है ये हमारी, कैपिटल ए इसका हमने नाम दे दिया, ठीक है। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो, इतना जो लिखा हमने यहाँ से, वी नो दैट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या थी हमारी, वी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से हमारे पास जो, क्योंकि यहाँ दो वेलोसिटीज हमें दी हुई हैं इनिशियल और फाइनल, तो हमारे पास जो कन्फ्यूजन है उसको मिटाने के लिए हमारे क्या काम आई, एवरेज वेलोसिटी जो हमारी यहाँ पर काम आएगी। तो एवरेज वेलोसिटी का यूज करेंगे और इस इक्वेशन में जो पुट करके इसको सोल्व करेंगे, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, वी प्लस यू अपॉन टू इंटू टी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे इसका। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो थी वो क्या आई थी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, बार बार इरेज ना करना पड़े इसलिए, जो यहाँ पर हम लिखेंगे,
इसके बाद है ये इस इक्वेशन ए के बाद हमें नेक्स्ट जो स्टेप है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो उसमें क्या करेंगे हम पुट इक्वेशन वन, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन वन इन इक्वेशन ए, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या था, u प्लस at किसकी वैल्यू आई थी, v की वैल्यू आई थी, तो इसमें भी हमारा v है, इसको एलिमिनेट करेंगे हम, तो v की जगह u प्लस at पुट कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू u प्लस at by 2 into at, ये हमारे पास जो है इसका आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारा u जो है वो डबल हो गया, 80 जो है एज इट इज है, तो हम क्या करेंगे, पहले इनका सम करेंगे और साथ ही जो ये टी हमारा बाहर है इसको भी ब्रैकेट के अंदर ले आएंगे, तो कैसे लिखेंगे इसको सॉल्व करके, एस इज इक्वल टू 2u t प्लस 2at, और जो अंदर वाला 2 है हम इसको जो है सेपरेटली जो है दोनों के साथ, ये ऊपर 2 नहीं है यहाँ पे, जो अंदर वाला जो हमारा 2 था जो अंदर जो हमारा ये 2 था इसको हमने दोनों जगह जो है सेपरेट करके लिख लिया है ब्रैकेट के अंदर ही, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो ये 2 है इस बाहर ऊपर वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या बच जाएगा, इसको लिख देते हैं आगे सॉल्व करके एज इट इज, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 80/2 है, तो इसको हाफ आगे इंटू में 80 कर दूं, ठीक है, या समझ में, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80, ये हमारा क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और यही हमारी क्या थी, यही हमारी जो है ये सेकंड इक्वेशन जो थी हमारी ये थी, ठीक है, ये हमारा जो है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन तो आपको नहीं होगा, इजीली समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ से स्टार्टिंग से देख लेंगे एक बार इसको, वी नो दैट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की डेफिनेशन से हमारे पास क्या आया था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आया था, उसको जब हमने यूज किया एवरेज वेलोसिटी का, तो v प्लस यू बाई 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एज इट इज हो गया, इसको जब सोल्व करते तो डिस्प्लेसमेंट की हमारी क्या वैल्यू आई थी, s की वैल्यू आई थी v प्लस यू बाई 2 इंटू टी, इस मेन इक्वेशन में जो है हमारा, इसमें हमने क्या किया, जो v था v की जगह हमने फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी आई थी v इज इक्वल टू यू प्लस 80, इसकी जो वैल्यू थी u प्लस 80 वो पुट कर दी, तो यहाँ से पुट करने के बाद जो है हमारा ये आ गया, अब इसकी जो है प्लस माइनस करके प्लस और जो है डिवाइड करके हम इसका जो है सॉल्यूशन निकाल देंगे, तो यहाँ से हमारे पास u प्लस यू क्या हो जाएगा 2u, और ये जो बार वाला t है इसको अंदर लेकर के आएंगे तो 2ut आ जाएगा, प्लस में 80 जो था हमारा 80 का ये स्क्वेयर आएगा 80 स्क्वेयर, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा टी का, क्योंकि ये 80 पहले था और इसके बाहर जो था हमारे पास टी था, टी की इससे मल्टीप्लाई होगी तो हाफ जो ये इसके 80 स्क्वेयर अपॉन में 2 आ जाएगा, यहाँ से जब इसको आगे सोल्व करते हैं इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस हाफ को जो है हम आगे सेपरेट करके आगे लिख लेते हैं 80 स्क्वेयर एज इट इज जो हमारा पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी जो काइनेमेटिकल इक्वेशन थी, इसका क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वेयर, ठीक है, ये आ गया होगा आपको समझ में, एक बार नोट डाउन कर लो इसको। नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारी ए इक्वेशन हमने यहाँ लिखी थी उसको मैंने यहाँ ऊपर लिख लिया है, वो बीच में लिखी हुई थी इस वजह से, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसमें हम जब टी की वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि हमने पहले क्या किया वी की वैल्यू पुट की इस वी की, तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन जो थी हमारी वो आ गई थी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वेयर। अब हम नेक्स्ट जो है वो टी की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, और हमारे पास जो ये हमारी थर्ड इक्वेशन जो है हमारी काइनेमेटिकल इक्वेशन ये आ जाएगी सोल्व हो गए, तो इसको देखते हैं हम कैसे करेंगे। जो हमने स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन यूज की थी एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, इसका जो है यहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ से हम जो है टी जो था ये हमारा इसकी वैल्यू निकालेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो देखते हैं इसको करते हैं सोल्व। यहाँ पर भी वो लाइन लिखना है आपको कि वी नो दैट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है,
यहाँ पर v जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, t जो हमारा टाइम है और a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये सभी चीज़ें जो है आपने लिखनी है अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम की वैल्यू t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। तो ये हमारे पास सोल्व होकर के आ जाएगी और इसको हम मान लेते हैं, इसका कोई नाम दे देते हैं, इक्वेशन बी जो है इसका हमने नाम दे दिया, ठीक है। अब जो हमारी इक्वेशन बी की वैल्यू थी यहां पर लिख लेंगे, चलो पुट वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम इक्वेशन बी इनटू इक्वेशन ए। तो बी से टी की जो वैल्यू थी हमारी उसको उठाएंगे और ए इक्वेशन के अंदर हम उसको रख देंगे। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा सोल्व करेंगे तो एस इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू इंटू में जो हमारी टी की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, वी माइनस यू ओवर ए। तो ये हमारे पास जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसको हमने सोल्व करना है, उससे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास एक मैथ में प्रॉपर्टी जो होती है, मैथ की प्रॉपर्टी क्या है हमारी, वो कि a प्लस बी गुणा में a माइनस बी अगर कुछ होता है तो वो क्या हो जाता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है। ये हमारी मैथ में हम यूज करते आए हैं आज से पहले और अभी भी कर रहे होंगे। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किस चीज को लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी और ए माइनस बी कोई चीज दी हुई है तो यहां पर जो हमारी बी प्लस यू ये जो दी हुई है और इस तरफ भी जो क्या दिया हुआ है, वी माइनस यू, तो ये हमारी वो प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर लागू हो रही है, वी प्लस यू और वी माइनस यू। तो वहां ए प्लस बी और ए माइनस बी था तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको जब हम सोल्व करते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप में तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, नेक्स्ट स्टेप में जब हम लिखते हैं तो हमारी एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन दोनों की जो मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो पहले तो नीचे जो है इसको कंबाइन कर देंगे हम 2a, क्योंकि दो की और a की गुणा तो सीधा लिख सकते हैं हम 2a, लेकिन ऊपर वाला जो था इसको हम कैसे लिखेंगे, v प्लस यू और v माइनस यू, ठीक है। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ गया, s इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2a, और इसको जो फर्दर सोल्व करके हम लिखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर एज इट इज, और जो ये 2a है हमारा इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे और ये s के क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2as, ये हमारी वैल्यू थी जो इक्वेशन हमारी जो थर्ड थी काइनेमेटिकल इक्वेशन, ये उसकी वैल्यू आ, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशन जो है आज की क्लास में हमने करी है, कवर करी है, ठीक है। तो आज के जो लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा इसकी ग्राफिकल फॉर्म में जो हम कैसे सोल्व करते हैं उसको कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो जो था, ये लेक्चर जो था आपका अच्छा लगा और अच्छे से समझ में आया तो आप इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो नाइन्थ क्लास में पढ़ते हैं या जिनको आप जानते हैं कि वो कोई स्टूडेंट है, आपका छोटा भाई बहन है, तो उसके पास जो है आप इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं, उसके साथ जो है शेयर कीजिए। साथ ही आपको आने वाले हर एक वीडियो का जो है नोटिफिकेशन ठीक टाइम से मिल सके और आपकी आपकी जो स्टडीज़ हैं उसको कंटिन्यू कर सके बिना किसी रोक टोक के, तो उसके लिए आप फिजिक्स फाउंटेन जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। Bye.